الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم قابل قدر بزرگو دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی ہے اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے آپ اس بات کو واضح کر دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرے دوسرا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں میری دل میں اللہ کی محبت ہے تو اس کی دلیل اس کی علامت اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اگر اس بات کو جاننا ہو پہچاننا ہو اگر سمجھنا چاہتے ہو یا آدمی خود اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہو کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں اس کا آسان طریقہ قرآن کریم نے بتایا ہے دیکھو تمہاری زندگی میں حضور کے طریقے کتنے فیصد زندہ ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جی چرائے دوسرا طریقہ اپنائے دوسرے طریقے کو چاہے اور دوسرے طریقے سے محبت کرے ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسا ممکن ہی نہیں ہے
मोहब्बत तो एक छुपी हुई चीज है, नजर तो नहीं आती। दुश्मनी एक छुपी हुई चीज है, वो नजर नहीं आती। लेकिन अगर किसी की दुश्मनी हो या मोहब्बत हो, उसे पहचानना हो, तो उसके आमाल और उसकी अलामतें, उसके हरकत और सकना जिंदगी के तौर तरीके से यह अंदाज़ा खूब अच्छी तरह लगाया जा सकता है कि इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है या नहीं है। बिल्कुल एक मोटी सी बात है। और ये ऐसा तरीक़ा कुरान करीम ने, ऐसा तराजू, ऐसी कसौटी दी है, इसके लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। एक आम इंसान कोई भी काम करता हो, वो अच्छी तरह इसे पहचान सकता है कि मेरे दिल में हुजूर के की मोहब्बत है या नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत है या नहीं है। कितने फ़ीसद हुजूर के तरीक़े मेरी ज़िंदगी में ज़िंदा हैं और कितने फ़ीसद मैं हुजूर के नक्शे कदम पर चलता हूँ या चल रहा हूँ या चलने का इरादा है, इसे दूसरा कोई जानता हो या ना जानता हो, हर आदमी खूब अपने बारे में अच्छी तरह जानता है। उसको कुरान करीम ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि अगर तुम्हारा ये दावा है कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है या अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हो, एक ही रास्ता है, एक ही तरीका, एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि हुजूर की इत्तबा करो। हाँ, तो क्या होगा उसके नतीजे में? अल्लाह कहते हैं युहबिबकुमुल्लाह, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। तुम्हारा क्या मुंह के तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, हाँ हुजूर की इत्तबा करने के नतीजे में अल्लाह ताला तुमसे खुद मोहब्बत करने लगेंगे। युहबिबकुमुल्लाह, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह ताला वादे के खिलाफ नहीं फरमाते हैं। युहबिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, जो जितनी ज्यादा हुजूर की इत्तबा करेगा उतना ज्यादा अल्लाह का महबूब बंदा, उतना ज्यादा अल्लाह ताला उसे दुनिया में मकबूलियत अता फरमाएंगे, उसके काम में बरकत होगी, उसके काम में महबूबियत होगी, उसके काम में मकबूलियत की अल्लाह ताला शान पैदा फरमाएंगे। आप देखते चले जाइए, कुल हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसी मोहब्बत अता फरमाई थी। आज भी पूरी दुनिया में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहा जाता है, उनसे मोहब्बत की जाती है। आदमी उनके नाम पर जान माल, अपना खानदान, अपना कारोबार, अपना सब कुछ कुर्बान करने, लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी एक महबूबियत, इंसान तो इंसान, जानवर तक हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। इसके बेशुमार वाकियात हैं। यहां तक के बुखारी शरीफ की एक रिवायत से पता चलता है कि मेंबर बनने से पहले अल्लाह ताला हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लकड़ी पर टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, मेंबर बनने के बाद हुजूर ने उसे छोड़ दिया तो वो रोने लगा, सिसकियां ले लेकर रोने लगा। ये बुखारी शरीफ की सही तरीन रिवायत है। इससे पता चला कि इंसान तो इंसान, फिर जानवर, जानवर के बाद जमादात, लकड़ियां, वो भी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती थी। बर से लेकर बहर तक, खुश्की से लेकर तरी तक, आसमानों पर फरिश्ते, अंबिया, दुनिया में पूरी इंसानियत हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती है। ये एक महबूबियत है। जो भी अब अल्लाह का महबूब बनना चाहता है, उसका भी एक ही तरीका है कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी को, उनके तौर तरीके को अपनाए। यही तराजू है। इसीलिए इस बात को अगर देखना हो कि यह हक पर है या गुमराह है, वह भी बहुत आसान है। ये देखो कि यह हुजूर के तरीके पर कायम है, चल रहा है, इसके जिंदगी में हुजूर की सुन्नतें बाकी हैं और उसकी मजलिसें हुजूर के मुजाकरों से भरी है। सुबह देखो, शाम देखो, रात को देखो, दिन को देखो,
उसकी घर की जिंदगी देखो, बाहर की, सफर की, हजर की, 24 घंटे उसकी जिंदगी में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के तस्करे मौजूद हैं। तो समझना चाहिए, हो ना हो कि ये हक पर है, हक पर होने की ये बहुत बड़ी दलील है। आपको ये किस्सा सुनाता हूं, मैं दो किस्से सुनाता हूं। एक किस्सा हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह का, यह हमारे लिए एक बड़ा सबक आमोज वाकिया है, उलमा के लिए भी, तलबा के लिए भी, जिम्मेदारों के लिए भी, अवाम के लिए भी, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी, सब के लिए। कहते हैं कि एक शख्स ने ख्वाब देखा, ख्वाब में यह देखता है कि एक बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हुए हैं, चारों तरफ से लोग दौड़ रहे हैं, दाएं से भी, बाएं से, आगे से, पीछे से, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार के लिए, जियारत के लिए। उलमा ने एक अजीब बात लिखी है कि जो आदमी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखता है, अगर वो मुसलमान है तो इस बात की अलामत है कि उसका खातिमा ईमान पर होगा। इतना बड़ा मकाम है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं उधर नहीं चाहता, मेरा मौजू से मैं हट जाऊंगा। अगर कोई आदमी ख्वाब में काफिर हुजूर को देखता है, आप हैरत करेंगे, काफिर भी देख सकता है हुजूर को ख्वाब में? साहब, हुजूर को बेदारी में हजारों काफिरों ने दीदार की है सरकार की, तो ख्वाब में क्यों नहीं देख सकता? बेदारी में अबू जहल बेदारी में देखने वालों में है, अबू लहब हुजूर को जिंदा रहते हुए हुजूर की दीदार और जियारत करने वालों में है। अगर कोई काफिर देखता है तो उलमा का यह कहना है कि उसके अंदर ईमान कबूल करने की इस्तेदाद मौजूद है, वो बार बार अपनी जमीर की आवाज को ठुकराता है। तो मेरी बात बहुत दूर निकल गई, मैं कह रहा था कि एक आदमी ने ख्वाब देखा, बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हुए हैं, कहते हैं कि चारों तरफ से लोग दौड़े दीदार के लिए, जियारत के लिए। इसी दरमियान में, इसी इसना में एक आदमी को लोग देखते हैं कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए और एक मोहब्बत और एक रोब जलाल दबदबे से मिली जुली कैफियत के साथ आंखें झुकी हुई हैं और ऐसा जा रहा है जैसे कोई चीज गुम हो गई हो और वो तलाश कर रहा हो। तो एक बाजू का एक आदमी जो उनके साथ चल रहा था, उन्होंने पूछा कि भाई तुम इतना आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हो कि इतने में तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हो जाएंगे, जरा अपनी रफ्तार को तेज करो। ख्वाबी में उसने कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, दर हकीकत मैं हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम तलाश कर रहा हूं। नक्शे कदम, ताकि कदम ब कदम मिलाकर चलूं, जिस रास्ते से सरकार गए हैं मैं उसके नक्शे कदम तलाश कर रहा हूं, ताकि कदम से कदम मिलाकर चलूं। तो ख्वाबी में वो आदमी सवाल करने वाले ने पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो कहते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और मैं नानोता का रहने वाला हूं। ये वही शख्सियत है जो यूपी के एक इलाके में, नानोता एक इलाका है, आज भी है, हमारा बारहा वहां जाना हुआ है, वहां पैदा हुए, अल्लाह ताला ने उनसे वो काम लिया, दालुम देवन की बुनियाद अल्लाह ताला ने उनसे रखवाई, पूरी दुनिया में
इल्म के फैज को जारी किया, वो महबूबियत, वो मकबूलियत, आज हजारों लाखों करोड़ों इंसान जो है वो इल्म के फैज से सैराब हो रहे हैं। मकातिब मदारिस कायम है हिंदुस्तान में। उस वक्त जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और उलमा ने यह महसूस किया कि अब मुसलमानों के हाथों से हुकूमत तो गई, अब मुसलमानों के अकीदे की, अमल की, अखलाक की, किरदार की हिफाजत का कोई बंदोबस्त होना चाहिए, तो बैक वक्त कई बुजुर्गों के दिलों पर इस बात को इल्का किया गया कि एक मदरसे की बुनियाद रखी जाए। तो अल्लाह ताला, आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में यह दावत और तबलीग उसी की एक शाख है, खानखाई निज़ाम उसी की एक ब्रांच है, ये मकातिब का निज़ाम उन्हीं की फिक्रों का नतीजा और सिला है, ये मदारिस का पूरा जाल पूरी दुनिया में अहले हक के, ये सारा उन्हीं के सर पर, ये सहरा उन्हीं के सर जाकर के बनता है। ये मकबूलियत और महबूबियत इत्तेबाए सुन्नत की बरकत से अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई। मैं ये कहना चाहता था और ये कहना चाहता हूं कि मोहब्बत करने वाला कभी इत्तेबा से जी नहीं चुराता, उसके जाहिर और बातिन में टकराव नहीं होता, जोड़ होता है, उसके इल्म और अमल में जोड़ होता है, उसका जाहिर उसके दावे की मुखालफत नहीं, उसका जाहिर उसके दावे की मुखालफत नहीं करता, उसका अमल, उसके अखलाक, उसके किरदार, उसके ख्यालात उसके दावे की तर्दीद नहीं करते, दलील फराहम करते हैं। एक और मैं आपको वाकया सुनाता हूं, लैला मजनू का तो आपने वाकया सुना है, मशहूर जमाना वाकया है, सारे लोगों के जबानों पर उसका वाकया है, हो सकता है कि बाद लोगों को मालूम ना हो, इसलिए कि हमने अब उर्दू लिखना पढ़ना छोड़ दिया है। मुझे याद आता है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का वो फतवा, और जरूरत महसूस करता हूं मैं इसे अब कि इसे अब हर स्कूल में, खास तौर से मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल से, ये हमारी उलमा की गुजारिश है कि जहां आप अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, कन्नड़ पढ़ाते हैं, दुनिया भर की जबानें पढ़ाते हैं, वहां मुसलमानों के बच्चों को उर्दू जरूर पढ़ाओ। इसलिए कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने उस वक्त यह फतवा दिया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर उर्दू का लिखना सीखना फर्ज है, इसलिए कि यह यहां के मुसलमानों की एक मजहबी जबान है। इस्लाम का लिटरेचर अंग्रेजी में आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा लिटरेचर वो उर्दू जबान में मौजूद है। एक आलिम समझाना चाहे तो कितना समझाएगा। तो लैला मजनू का वाकया बड़ा मशहूर है कि एक मरतबा यह देखा गया कि लैला का तो घर था, उसके इर्द गिर्द कई सारे दीवाने चक्कर लगा रहे थे, एक माशूका है उस पर मरमिटने वाले कई आशिक हैं जो उसके घर के चक्कर लगा रहे हैं। जाकर किसी ने लैला को यह इत्तला दी कि आपके घर के बाहर, महल के बाहर लोग जो है वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपकी दीदार के मुश्ताक हैं। ये कहा अच्छा, इतने सारे मुझे चाहने वाले। तो उसने खादिम से कहा कि ऐसा करो कि एक प्याला लो, बर्तन, और फिर हर बर्तन के साथ एक छुरी को रख दो, और जितने आशिक बाहर मोहब्बत के दावा करने वाले खड़े हैं सबके हाथों में थमा दो, और यह कहो कि लैला ने बदन का थोड़ा गोश्त मांगा है। हुक्म के मुताबिक वो खादिम बाहर गया और सबके हाथ में एक एक प्याला और एक छुरी थमा दी। जितने झूठे थे सबने राह फरार इख्तियार करने में आफियत समझी, सब भाग गए, लेकिन जो वाकई सच्चा पक्का आशिक था, मोहब्बत करने वाला, मर मिटने वाला था, उसने जो है थोड़ी अपनी नाक काट ली और फिर थोड़ा कान का हिस्सा काट लिया, थोड़ा माथे का, थोड़ा हाथ का, थोड़ा पैर का, थोड़ा रान का, थोड़ा ये पहलू का, थोड़ा पीठ का, थोड़ा पेट का, ये सोच करके पता नहीं कि
कि सिर्फ इतना कहा गया है कि गोश्त मांगा है। मालूम नहीं लैला को बदन के किस हिस्से का गोश्त पसंद होगा। आशिक ऐसा होता है, इसीलिए अरबी शायर ने कहा तासिल इलाहा व अंत तुज़हिरु हुब्बहु, यह अरबी है, हादा लअमरी फिल कियास बदीउ लव कुंत सादिकन लअतातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। कहता है कि अल्लाह की नाफरमानियां भी जारी है, सुन्नतों का जनाजा निकाला जा रहा है, और अपने अमल से जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और मोहब्बत के दावे में तासिल इलाह वंत तुजीरु हुब्बहु, मोहब्बत के दावे भी जारी, मुखालफतें भी जारी। तो शायर कहता हाजा लामरी फिल कियास बदीउ, ऐसी मोहब्बत तो हमने कभी नहीं देखी ना सुनी है कि एक आशिक जो है मोहब्बत का दावा भी करता है, अपने महबूब की बराबर मुखालफत भी करता जा रहा है, ऐसी मोहब्बत तो हमने नहीं देखी। आगे कहता है इसलिए कि इन्नल मुहिल्लु कुंता सादिकन लअतातहु, अगर तू अपने दावे में मोहब्बत में सच्चा होता तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता, फरमा बरदारी करता, उन पर मर मिटता, एक एक सुन्नत का इल्म हासिल करता। इसलिए कि इत्तेबा के लिए इल्म जरूरी है, इल्मी नहीं है तो पता क्या चलेगा तुम्हें कि क्या क्या सुन्नतें हैं, किस मौके की क्या सुन्नत है, क्या तफसीलात हैं। अगर तुम अपने दावे में और मोहब्बत में सच्चे होते तो शायर कहता है कि तुम हुजूर की इत्तेबा करते, फरमा बरदारी करते, इसलिए कि हमेशा मोहब्बत करने वाला अपने अपने महबूब की इताअत करता है, उस पर मर मिटता है। हाँ, जो मांगो जब जो हुक्म दे दो। अब लिहाजा सहाबा की पूरी तारीख है, तो कुरान करीम की यह आयत हमें दावत दे रही है अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो यह ही रास्ता है, यह ही ऑप्शन है कि तुम हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इल्म हासिल करो और फिर 100% उसकी इत्तेबा करने की कोशिश करो। जितनी इत्तेबा करोगे इतने बड़े अल्लाह के महबूब हो जाओगे, और अल्लाह ताला तुमको जो है अपना महबूब बंदा बना लेंगे। यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह ताला वादे के खिलाफ नहीं फरमाते। युहिब्बुकुमुल्लाहु वयग़फिरु लकुम ज़ुनूबकुम, ये एक वाकिया मैंने महबूबियत का सुनाया कि जो आदमी हुजूर की इत्तेबा करता है अल्लाह उसे कैसी मकबूलियत अता फरमाते हैं, कैसी महबूबियत अता फरमाते, और रास्ता आज भी खुला हुआ है। अगर कोई अल्लाह का महबूब बनना चाहता है उसके लिए आज भी रास्ते खुले हैं। और जो आदमी झूठा होता है उसका तरीका क्या होता है, उसकी अलामतें क्या, उसकी दलाइल क्या, उसे हुजूर के चेहरे से मोहब्बत नहीं होती। अभी मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, ये तो मैसेजों का दौर है, ये तो व्हाट्सएप का दौर है, पढ़ रहा था। अगर हुजूर ने कयामत में ये पूछ लिया कि बंदे बता मेरे चेहरे में क्या ऐब था जो तूने मेरे जैसा चेहरा बनाने से तूने गुरेज किया और इज्तनाब किया, बता मेरे चेहरे में क्या ऐब था। अगर हुजूर ने मैदान महशर में जिसकी शफात की उम्मीद लेकर एक उम्मत ही मरता है, और हमारे याद रखो हमारे इल्म अमल की बुनियाद पर कभी शफात मुमकिन नहीं है, ये तो अल्लाह के फजल पर मुमकिन, ये अल्लाह की मशीयत के ताबे है। हमारे इल्म अमल ऐसे नहीं है कि हमें बख्श दिया जाए, ये तो अल्लाह के फजल पर रहे मौकूफ, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात पर मौकूफ है। हमारे इल्म अमल कुछ न काम आएंगे अगर ना होगी शफात, अगर ना होगी शफात हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये तो एक आयत की तशरीह में कर रहा था। गुज़िश्ता जुमा में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू बयान करके ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सीरत को इस अंदाज से पढ़ना चाहिए आदमी को, इसमें हमारे लिए क्या रहबरी मौजूद है। ये एक हिस्सा तो सीरत का वो है जिसमें हुजूर के नाक को नक्शा बयान किया गया, हुलिया बयान किया गया है, हुजूर के कान ऐसे थे, आंख ऐसी थी, नाक ऐसी थी, हाथ ऐसे थे, हुजूर के पैर ऐसे थे, उंगलियां ऐसे थे, जोड़ ऐसे थे, दांत ऐसे थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी एक हिस्सा है सीरत का।
और एक हिस्सा मकामात का है और एक हिस्सा हुजूर के इल्म का है और एक हिस्सा हुजूर की खुसूसियात का, मोजिजात का है। उसमें हमारे लिए कोई रहबरी मौजूद नहीं, उससे तो हुजूर के मकाम व मर्तबे का अंदाजा होता है। उसके बारे में तो शेख सादी ने फैसला ही कर दिया और यह कहा ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक्कुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, कहा कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक्कुहु, लोग कहते हैं कि अल्लाह की तारीफ करना मुमकिन नहीं है। मैं तो उससे जरा नीचे उतर करके शायर कहता है अल्लाह की जात तो अपनी जगह है, आओ अगर तुम में से किसी के अंदर हिम्मत है तो आओ यहां और हुजूर की तारीफ करके बताओ हुजूर कौन थे। मुमकिन हुजूर की तारीफ करना भी मुमकिन नहीं, इसीलिए शायर कहता है वो जैसे थे उनकी तारीफ करना, उनके मकामात को बयान करना आम आदमी तो आम आदमी, वो तो किसी नबी के बस में भी नहीं है। इसलिए कि जो मकामात अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाए थे वहां तक किसी नबी की भी पहुंच नहीं, ना मूसा की, ना ईसा की, ना हारून की, ना जकरिया की, ना याहिया की, ना इलियास की, ना हजरत जकरिया की, किसी की वहां तक, ना हजरत आदम की, ना हजरत नूह की, किसी की वो उस मकाम तक पहुंच नहीं है। तो मैं गुज़िश्ता जुमा ये अर्ज कर रहा था कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमी की हालत में पैदा किया गया। जादू तो वो है जो सर चढ़कर बोलता है, कमाल वो है कि बेसर और सामानी के आलम में आदमी अपने मिशन और तहरीक का आगाज करे और फिर बढ़ता ही चला जाए आगे। उसके लिए मैंने यहां तक मैं यहां आकर के मैं रुका था कि अल्लाह ताला की मदद के मुख्तलिफ तरीके हैं। यह किस्सा तो आपने सुना होगा और बहुत सुना होगा कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 50 दिन पहले का वाकया है। यह सीरत इब्ने हिशाम में लिखा है। सीरत इब्ने हिशाम अरबी की एक मोतबर तरीन किताब है, उसमें यह वाकया है और तकरीबन सब किताबों में है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए उसको आमुल फील कहा जाता है, फील कहते हैं हाथी को। उस साल हाथियों का एक वाकया पेश आया था। ये जो यमन है उसका जो कैपिटल है उसका नाम सनआ है, आज भी सनआ ही कैपिटल है यमन का, कैपिटल सिटी ऑफ द यमन। उसका एक बादशाह था अब्रहा, ये हबशा का बादशाह जो नज्जाशी था उसका वो गवर्नर था, वो हुकूमत इसके हुकूमत के ताबे थी। उसने देखा कि काबे की ये महबूबियत, ये मकबूलियत, पूरी दुनिया से लोग खिंचकर वहां जाते हैं। हसद एक ऐसा रोग है दिल का, वो खूबियों को देखने से रोकता है, मना कर देता है। माने है दिल की आग, हसद, जलन, आदमी हमेशा 24 घंटे अजाब में मुबतला है। हासिद तो उसने देखा कि हमें काबा यहां मनाएंगे अमन में, लिहाजा उसने वहां बनाया ताकि लोग इधर मुतवज्जे हों। जब खुरेश को पता चला तो आपे से बाहर हो गए गुस्से में, और एक कनानी नस्ल एक ने जाकर के वहां बैतुल खला कर दिया, गलाजात और गंदगी, उसका गुस्सा और भड़का कि हमारे हमने जो काबा बनाया उसकी बेहुर्मती की गई, तौहीन की गई, उसकी बेइज्जती की गई, नाकदरी की गई। तो उसने ठान ली के मैं काबे को जरूर ढा करके रहूंगा। फौजियों की हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज लेकर के जो है, रास्ते की तफसीलात बहुत लंबी हैं, उस सारी तफसीलात को हजफ करके जो हमारे काम की बात है मैं वारिज करता हूं कि वो मक्का के करीब पहुंचा। जब कुरैश को पता चला उस वक्त जो है काबे के जो मुतवल्ली थे वो हुजूर के दादा जो थे अब्दुल मुत्तलिब, वो थे बड़े जाहो जलाल, बड़ा कहते हैं कि बड़े लंबे चौड़े और बड़ा अल्लाह ताला ने उनको हुस्न जमाल अता फरमाया था अब्दुल मुत्तलिब को। वो उसने बाहर क़याम किया होता या हाजिर हुए तो उसने पूछा कि उसने अब्दुल मुत्तलिब की 200 ऊंटनियां या 200 बकरियां उसने अपने कब्जे में कर ली थी। हाजिर हुए तो वो इस बात को तो गवारा नहीं किया कि अब्दुल मुत्तलिब को अपने तख्त पर बिठाया जाए बाजू, अलबत्ता वो अपने तख्त से उतर कर नीचे आ गया। तो उसके बाद पूछा कि क्यों आना हुआ आपका,
तो उसने कहा कि मेरे आने का मकसद यह है कि मुझे पता चला कि मेरी ऊँटनियों को आपने ले लिया है। कहाँ? मैंने ले लिया है। कहा मुझे मेरे ऊँटियाँ वापस कर दीजिए। तो उसने कहा कि हैरत है तुम्हारी जिम्मेदारी पर, कितने बड़े जिम्मेदार हो, मक्के के सरदार हो, काबे के मुतवल्ली हो, तुमको तो यह कहना चाहिए कि मैं तो काबे को उठाने आया हूँ, काबे को मत ढाइए। आप मुझसे ये दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं और कहते हैं कि आप अल्लाह के वास्ते यहाँ जो है वो फसाद ना कीजिए, काबे को ना तोड़िए, ये दरख्वास्त करने के बजाय ऊँटनियों। तो उन्होंने कहा कि ये ऊँटियों का मैं मालिक हूँ, ऊँटियों का मैं मालिक हूँ, काबे का मालिक वो है, इस घर का मालिक वो है, इसकी हिफाजत वो करेगा। ये कहकर के वो चले आए। उसके बाद जो है उसने देखा कि अब तो रास्ता और साफ है, अब काबे को ढाने और तोड़ने से मुझे कोई दुनिया की ताकत रही नहीं रोक सकती। रोक सकता तो ये सरदार रोकना था, कुरैश के लोग मेरा मुकाबला करते, सारे पहाड़ियों में जो है वो छुप गए, झाड़ियों में भाग गए, बाद लोग काबा का गिला पकड़ कर दुआ करके फरार हो गए। अब्दुल मुत्तलिब सरदार से एक उम्मीद थी, वो भी दूर हो गए। अब तो रास्ता साफ है, अब कौन सी ताकत मुझे काबे को ढाने से रोक सकती है। ये कह के आगे बढ़ा, ये कह के आगे बढ़ा तो कुरान मजीद में है, तारीख की रिवायत नहीं है, तारीख की रिवायतों में इख्तलाफ हो सकता है, ये तो कुरान मजीद की रिपोर्ट है। कुरान मजीद में बाकायदा एक सूरत है, सूरतुल फील के नाम से, अलम तरा कैफ फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, उसमें इसी वाक्य का जिक्र है। वो आगे बढ़ा तो समंदर की तरफ से छोटी छोटी जाए छोटे छोटे परिंदे अपनी चोट में पत्थर लिए हुए, इसको कुरान मजीद ने कहा अबाबिल तोयरन, अबाबिला अबाबिल परिंदे, वो आए और आकर के जो है जिसके ऊपर वो पत्थर फेंकते वो ऊपर से जाकर दूसरे रास्ते से निकल जाता और वो हलाक हो जाता। और फिर अबरा को भी उन पत्थरों ने जख्मी कर दिया, छलनी कर दिया, बड़ी मुश्किल से जो है उसे लेकर के वो वापस गए और बड़ी बुरी मौत वो मरा। ये कहकर अबरा को यह गलत फहमी हुई थी, यही मैं बात समझाना चाहता हूं कि ये देख कर के काबे को और मेरे दरमियान अब कोई रुकावट नहीं है, काबे को तोड़ने से अब कोई ताकत नहीं रोक सकती, यह कह करके अल्लाह की नजर ना आने वाली ताकत को नजरअंदाज करने का नतीजा, नजर तो नहीं आती अल्लाह की ताकत, इन सर की आंखों से अल्लाह को देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने उस काबे की गैर मामूली तरीके पर गैबी जो नुसरत फरमाई, छोटे परिंदों की शक्ल में अल्लाह ताला ने उसकी फौज को तबाह बर्बाद कर दिया और अबरा को उसकी फौज समेत मिट्टी में मिला दिया, उसके मंसूबे को खाक में मिला दिया। और पूरे मक्के वालों को यह दिखाना था और मुशाहदा कराना था ताकि उनके जहनों में यह बात रहे और यह वाकिया याद रहे, एक नबी अभी चंद दिन के बाद पैदा होने वाला है, खबरदार, यतीम समझकर, बेसहारा समझकर के दस्त दराजी करने की कोशिश करोगे, उसको और उसके मिशन को और उसकी तहरीक को, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करोगे तो फिर उसकी ऐसी मदद करूंगा जैसे गैर मामूली तरीके पर मैंने आज काबे की हिफाजत की है। जाहिर बात है अल्लाह ताला ने कदम कदम पर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई, उसका एक तरीका तो यह था। और जंगे बदन में जब अल्लाह रसूलुल्लाह के रसूल की मदद करने का अल्लाह ने फैसला किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नाजिल फरमाया, फरिश्तों के जरिए से हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई, ये तरीके के तरीके हैं। और फिर जब हजरत रसूलुल्लाह सल्लम को देखा, कुरान करीम कहता है अलम यजिद का यतीमन फआवा, यतीम पैदा किया, कोई खानदान वाला मदद करने तैयार नहीं, उल्टी मुखालफत बगावत,
और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खत्म कर देने के मंसूबे और साजिश रची गई तो हजरत खदीजा को ईमान की तौफीक दी, उनके दिल में मोहब्बत डाली, उनके माल को इनका माउन बना दिया, सिद्दीक अकबर को तौफीक दी। मदद का एक तरीका यह भी है, मदद का एक तरीका यह है कि जो जैसे हजरत मूसा और हारून को अल्लाह ताला ने रौब जलाल अता फरमाया था, एक तरीका वो भी है। और अबू जहल की खुद एक रिपोर्ट है कि एक मर्तबा हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए आगे बढ़ा, हमला करने के लिए, तो फिर करीब ही गया था कि फिर पीछे हट गया, फिर करीब गया था फिर पीछे हट जाता है। लोगों ने कहा कि अबू जहल, हुजूर तो अकेले खड़े हैं और निहत्ते हैं, उनके पास तो कोई हथियार भी नहीं दिफा करने के लिए, और तेरे हाथ में तो हथियार है, मारने से कौन सी ताकत तुझे रोक रही है? तो उसने कहा कि जब भी मैं कदम बढ़ाया हुजूर को, हुजूर पर हमला करने के लिए, तो हुजूर के दो कंधों के पीछे मैं क्या देखता हूं कि एक शेर है जो मुंह खोले खड़ा है, अगर यह कदम भी आगे बढ़ता तो मुझे अपना लुकमा बना लेता। ये मदद करने का एक तरीका यह भी है। और आपको याद नहीं है वो वाकिया हिजरत के, हिजरत की औरत हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक ताइफ का वो दिन और हिजरत की एक रात के, मक्के के सारे कबीले के सरदार अपने हाथों में तलवार लेकर हुजूर के घर के बाहर खड़े हैं कि एक बार भी सब मिलकर बैक वक्त हमला करेंगे ताकि किसी पर जो है वो ये बात ना, इल्जाम ना आए कि फुला आदमी ने कत्ल किया है। और सारे कबीलों का कुरैश, एक कबीला क्या मुकाबला कर सकेगा ये कह कराए, तो अल्लाह ताला ने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि थोड़ी मिट्टी ले लो और फिर आयतें बताई, ये पढ़कर अब फेंको, फेंको, सिर्फ तुम्हारा काम इतना ही है और तुम इतना ही कर सकते हो, बाकी का काम हमारे ऊपर छोड़ दो। तो हुजूर ने फेंकी और सारे अंधे बन गए थोड़ी देर के लिए। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफियत के साथ मदीने के लिए निकल गए। मदद, ये मदद का एक अंदाज ये भी होता है, मदद का एक अंदाज मैं क्या कहूँ आपको, आप किसी गलत फहमी में आपको नहीं रहना चाहिए। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कामिल इत्तबा करते हैं, आज भी अल्लाह की नुसरत उनको थामने के लिए तैयार है। आज भी दुनिया जो है जितनी मुखालफत कर रही है, आपको मालूम है हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि अंग्रेज उनको तलाश करते करते उनके घर तक पहुंच गए, हजरत मुसल्ला बिछा करके वहां तस्बीह लेकर के बैठ गए, सारा तलाश किया, मुसल्ले पर जाते हैं बाहर आते हैं, मुसल्ले पर जाते हैं बाहर आते हैं, हाजी साहब मौजूद है और अंग्रेजों को नजर नहीं आ रहा है। और यह एक मदद का तरीका यह भी होता है कि आपको मालूम है कि एक मरतबा हुजूर जो है यहूदियों के कबीले में चंदा करने के लिए गए थे, एक वाकया पेश आया था, तो यहूदियों ने कहा कि ठीक है आप यहां बैठिए, हम चंदा इकट्ठा करके आपके पास जमा करते हैं। और पीछे से बदनीयत थे, पत्थर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिरा कर हुजूर को खत्म कर देना चाहते थे। जिब्रील तशरीफ लाए और कहा कि हुजूर आप आहिस्ता से चुपके से यहां से उठकर आप चले जाइए। मदद का एक अंदाज यह भी होता है, जब मैदान में उतारा जाता है अल्लाह अपने सारे खजाने और सारी नुसरतों को सुनाकर पढ़ाकर नहीं, दिखाकर मैदान में उतारते हैं। जब तक देखेगा नहीं अल्लाह की नुसरत, पूरी कुव्वत के साथ कैसे दावत देगा अल्लाह के अल्लाह के दीन पर अमल करने के नतीजे में मिलेगा क्या? जब इनामत को देखा ही नहीं तो समझाएगा क्या? अल्लाह की पकड़ कैसी होती है? जब तक इसका अंदाजा बंदे को नहीं कराया जाता, वो समझाएगा कैसा कि अल्लाह की पकड़ कैसी होती है? तो बेसरो सामान देखकर आज भी मैं क्या बताऊं तुम्हें, आज भी ये लोग इसी गलत फहमी में हैं कि मुसलमानों के पास हुकूमत नहीं, पैसा नहीं, खजाने नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मुसलमानों की सफ में, बशर्ते कि वो मुखलिस हों, उनके सफ में खुदा खड़ा है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। दूसरा एक और वाकिया मुख्तसर बयान करके सीरत के इन वाकिया से फायदा उठाओ।
हो सकता है कि वाक्य मुकम्मल ही ना हो। फिर इंशाअल्लाह बयान करेंगे वो वाकया कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं, ये भी नबूवत से पहले का वाकया, ये तो हुजूर के पैदा होने से पहले का वाकया है, काबे को ढाने का वाकया। दूसरा वो वाकया जब काबे की नई तामीर हुई, मक्के वालों ने फैसला किया कि काबे को, इसलिए कि जो काबा था वो पत्थरों के बीच में ना मिट्टी थी, दो पत्थरों के बीच में ना सीमेंट था, वैसे जोड़कर काबा बना दिया गया था। अब ये चाहते थे कि इसकी मजबूत नई तामीर की जाए, मशवरा हुआ, उसके बाद काम शुरू हुआ। जब हजरे अस्वद को रखने का मौका आया, हजरे अस्वद को कौन रखेगा, दीवारें ऊंची होती होती हजरे अस्वद तक पहुंची। अब ये मशवरा हुआ कि हजरे अस्वद को रखेगा कौन, ये सरदार कहता था कि मैं रखूंगा, यह सरदार कहता था कि मैं रखूंगा, एक से एक बढ़कर यहां तक के मामला अब जंग तक पहुंचा। तो बाद में इस बात पर इत्तेफाक हुआ, कल सुबह सबसे पहले जो काबे में दाखिल होगा हम जो है उस पर इस मामले को छोड़ देंगे, वो हजरत अस्वद को काबे में नसब करेगा। सर सुबह भी तो क्या देखती है दुनिया के हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने, देखते ही सारे लोगों ने जो पुकार कर ये कहा अलमीन मोहम्मद, मोहम्मद अलमीन, मोहम्मद सादिक, अरे ये तो वो मोहम्मद है जो अमानतदार है। नबी बनने से पहले हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन और सादिक के लकब से मशहूर थे, सारे मुत्तफिक हो गए। लेकिन बहुत गौर से सुनिए मेरी इस बात को, कहानी समझकर नहीं, अगर तुमने मेरी इस बात को दिल के कानों से नहीं सुना और छोटी उम्र का और तालिब इल्म समझ करके अगर तुमने मेरे इस नतीजे को नज़रअंदाज किया तो फिर तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। जिम्मेदार आओ, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सबक दिया है उसे गौर से देखो सुनो और दिल के कानों से सुनो। हुजूर ने देखते मुत्तफिक हो गए, अब फैसले का इख्तियार हुजूर को है, जो चाहे करो। तो हुजूर की हिकमत तदबीर देखो, हुजूर ने कहा चादर लाओ, चादर बिछाई गई। चादर बिछाने के बाद हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को उस पर खाया और एक जिम्मेदार को बुलाया कि कोने को तुम पकड़ो, ये कोने को तुम पकड़ो, ये कोने को तुम पकड़ो, ये कोने को तुम पकड़ो, और सारे उठाकर काबे तक ले गए। जब काबे के करीब ले गए तो हुजूर ने पत्थर को अपने दस्ते मुबारक से काबे में नसब किया, झगड़ा भी खत्म हो गया। याद रखो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बुलंदी और जो तकद्दुस, जो बुजुर्गी अल्लाह ने अता की थी, वो हुजूर ऐसा भी कर सकते थे कि अपने हाथों से ले जाकर नसब कर दे, उनको इख्तियार दिया था खुद सरदारों ने, लेकिन हुजूर ने किसी मक्के के सरदार को नजरअंदाज नहीं किया। काम करने वालों, तुम दीन के किसी भी शोबे में काम करते हो, याद रखो मेरी इस बात को कि जिस इलाके में काम करो उस इलाके के असरो रसूख रखने वाले जिम्मेदारों को नजरअंदाज करके काम करो, या तो काम ही नहीं होता या काम छोटे पैमाने पर होगा। क्या आपको याद नहीं है वो बात कि उमर इब्ने खत्ताब तलवार लेकर के निकले थे, लेकिन ये नबी कितना दरिया दिल है, कितना चौड़ा है हुजूर का ये दिल कि रात में उमर इब्ने खत्ताब जो मिल्लत के काबिल अफराद होते हैं उनसे मुखालफत मोल लेने के बजाय उनको अपने एतमाद में लेकर काम करने की कोशिश करो। रात में सर सजदे में है, इस उम्मत के आखिरी नबी का सर सर सजदे में है और अल्लाह की मदद का यकीन कितना है। हुजूर को उम्र की जरूरत नहीं थी लेकिन उम्मत को बताया कि काम करने का तरीका यह है, दुआ कर रहा है। ये हजरत उमर इब्न खत्ताब मक्के के काबिल तरीन अफराद में से थे, उससे दुश्मनी मोल लेने के बजाय काम करने वालों का मिजाज और तरीका सोच फिक्र ऐसी होती है कि सर सजदे में करें अल्लाह उमर इब्न खत्ताब को इस्लाम की तौफीक अता फरमा। इसका मतलब यह नहीं कि मक्के के दूसरे लोगों के लिए दुआ नहीं की थी, दुआ तो सबके लिए की थी, लेकिन चूंकि काबिले जिक्र अफराद दो चार ही थे ना, मक्के में हजारों लोग थे लेकिन गिनने जैसे लोग दो चार ही थे, उनका नाम लेकर हुजूर ने दुआ की अगर मुझे यहां काम करना है
जहां तुमने मुझे मबूस किया है। अबू जहल या नहीं तो उमर इब्न खत्ताब को मेरे साथ कर दे। ये काम करने का तरीका है, यह एक आखिरी नबी की सोच है, ये उनका यह सबक है। यह उसके आगे और भी मैं बहुत हर वाकये का एक नतीजा मैं आपको जिक्र करूंगा कि फतेह मक्का का क्या वक्त, क्या नतीजा है, ताइफ का क्या नतीजा है, एक दाई के अंदर क्या सिफात होने चाहिए। जब आदमी को गलबा और हुकूमत हासिल हो तो उस वक्त आदमी की सोच, फिक्र, उसका किरदार, उसके अखलाक कितने बुलंद होना चाहिए। इंशाल्लाह हम सीरत की रोशनी में वो उस पर रोशनी डालेंगे। अल्लाह तौफीक अता फरमाए।